बात झारखंड के सीएम रघुवर दास जी की है, जो एक बार फिर अपने अफसरों पर भड़क गए। रविवार को एक ही सभा में पहले बोकारो के डीसी पर भड़के और फिर धनबाद के डीएम पर भी भड़के। एडीएम को तो सस्पेंड करने तक का आदेश सुना दिया उन्होंने मंच से ही। ये पहली बार नहीं है जब सीएम भड़के हों, लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि सीएम निरंकुश हो गए हैं। इस डांट के बाद गजब का सन्नाटा छा गया था धनबाद के कोयला नगर के कम्युनिटी हॉल में। सारे बड़े बड़े अधिकारी, कोई कहीं का डीसी, कोई कहीं का डीएम, कोई कहीं का सीओ, तो कोई कहीं का चीफ सेक्रेटरी, और सबके सामने धनबाद के एडीएम सप्लाई के ऊपर आसमान टूट पड़ा था। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास मंच से प्री बजट के बारे में बातें कर रहे थे और एडीएम सप्लाई सामने से निकल गए, और जब निकल गए तो सीएम भड़क गए। गुस्सा चढ़ा तो सीधा सस्पेंड पर रुके। अब एडीएम साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई जो सस्पेंड की नौबत आ गई, लेकिन सीएम साहब ने कह दिया तो कह दिया। यही वर्क कल्चर, यही 14 वर्ष में यही मनमानी, कोई डिसिप्लिन ये झारखंड में अब नहीं चले। वर्क कल्चर झारखंड में सुधार। इसी मंच से, इसी हॉल में बोकारो के डीसी मनोज कुमार को भी सीएम ने कायदा सिखाया। कार्यक्रम के दौरान मनोज कुमार मोबाइल पर पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन सीएम की नजर चली गई तो उन्हें कहना पड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, आप बाहर जाइए। एक मिनट, ऐसा है कि सीएम के बोलते ही फौरन बाहर निकल गए, लेकिन सीएम ने थोड़ी देर बाद बुला लिया मनोज कुमार को और वो फौरन वापस भी लौट आए। लेकिन मंच पर सीएम की फटकार के बाद एडीएम साहब का पता नहीं क्या होगा। खैर, उनका जो होगा सो होगा। विपक्ष को सीएम रघुवर दास के खिलाफ निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो उन्हें निरंकुश तक करार दिया है। इनका जो एरोगेंस है, वो एरोगेंस ही अब इनको आम इंसान नहीं रहने देगा। इनको खुद को लगने लगा कि हम इस राज्य के मालिक बन बैठे, हम नियंता बन बैठे हैं और मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं है। नंबर एक, आप सोचिए कि जिसके ऊपर में जिले की जिम्मेवारी, जिस डीएम के ऊपर में, वो फोन पर बात करके विधि व्यवस्था की जानकारी नहीं लेगा तो लेगा कौन?